हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये वाला तोरण डिज़ाइन बना के दिखाने वाली हूँ। देखिए, बहुत सुंदर डिज़ाइन है और बनाने में उतना ही आसान है, आसानी से बना सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग हम तोरण पट्टी से करेंगे। तोरण पट्टी के लिए 200 चेन लेनी है और डबल क्रोशे बना लेंगे पूरी पर। फिर फुल तोरण बनाने के लिए 200 चेन चाहिए। इस तरह से डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लेना है। ये देखिए, ये इस तरह से बना रहे हैं लंबाई में। एक राउंड डबल क्रोशिया का ले लेना, सेकंड राउंड में डिजाइन स्टार्ट करेंगे। चार डबल क्रोशिए, अभी मैं 10 चेन लूंगी यहां पर। और नीचे 8 डबल क्रोशिए बीच में छोड़ने। ये चार तो हमने बना ली, ये देखिए चार तो बन गए हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़ देंगे बीच में और 9th वाले पे डालेंगे। अब 4 डबल क्रोशिए, एक तो ये हो गए, 3 और, 2, 3 और ये 4। इस तरह से बना लेने, फिर 10 चेन लेंगे। और 8 डबल क्रोशिए छोड़ देंगे, 2, 2, 4, 6, 8 9th में डाल लेने। इस तरह से मैं 2 राउंड करूंगी इसके, एक ये वाला और एक राउंड और करूंगी। तो ये मैं 2 राउंड करूंगी, 4 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया और 10 चेन लिए वहां 10 चेन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब 2 राउंड कंप्लीट हो जाए, देखिए, तो 3rd राउंड का जोड़ना है हमें। ये देखिए इस तरह से, तो उसके लिए 5 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये जोड़ देना है दोनों को इस तरह से लेके। वापिस 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1, 2, 3, 4 ये देखिए, ये इस तरह से जोड़ लेना है 3rd राउंड में हमें डिजाइन के। वापिस से 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। और फिर 5 चेन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया बना लेने इस तरह से। ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए, नेक्स्ट राउंड में वापस से सिंपल ले लेना है 10 चेन लेके और लास्ट राउंड हमारा डबल क्रोशिए को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बना लेना है। लास्ट राउंड हमें ये वाला बनाना है डबल क्रोशिए का। तो ये बना के तैयार कर लेंगे, तोरण पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी तोरण पट्टी बन के तैयार हो गई है। अब हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे इसमें। तो डिजाइन किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं इस वाले, ये जो मैंने बांधने के लिए छोड़ी है, अगर आपको ये छोड़नी है तो 10 चेन एक्स्ट्रा ले लें।
पट्टी की साइज नापने के बाद यहीं से स्टार्ट कर देंगे डिजाइन। ये मैंने मैरून कलर लिया है, आप चाहें तो और दूसरा कलर ले सकते हैं। ये नेक्स्ट वाले में ले लिया, दो डबल क्रोशिया एक जगह पे बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक जगह पे, फिर दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, फिर दो बनाएंगे। तो उन पट्टी के भी दो डबल क्रोशिया छोड़ देने। इस तरह से इतने पार्ट में बनाएंगे कि इसके तीन पार्ट हो जाएं। जो हमने तोड़ पट्टी तैयार की है इसके तीन पार्ट बन जाएं, तीन पेटल हम बनाएंगे। इस तरह से नाप लेंगे तो ये हम यहाँ तक बना लेंगे। चार में ये चार बॉक्स हैं, इन चार बॉक्स तक बना लेना है। फिर चार बॉक्स तक, 1 2 3 4 नेक्स्ट पेटल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक बना लेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें इतने में, ये देखिए इस तरह से बन जाएगा ये। अभी हमें एक एक कम करते जाना है दोनों साइड में, हर एक राउंड में, और एक बचेगा तब तक हमें बनाते जाना है। दो बन गए नेक्स्ट में। ये देखिए इधर से ये एक कम हो जाएगा, ऐसे ही दूसरी साइड में भी एक कम कर लेंगे। और इस तरह से ये डिजाइन डालते जाएंगे जब तक एक बच जाएगा तब तक। ये देखिए यहां तक बना लेने, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर देंगे। स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, इस तरह से कम करते जाएंगे। और पूरी पेटल बना लेंगे जब एक रह जाएगा लास्ट तक। देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पेटल हमारी कंप्लीट हो गई है। ये मैं कम करती गई दोनों साइड में और लास्ट में एक बचेगा। इसी तरह से मैं तोरण पूरा कंप्लीट कर लूंगी। तो ये देखिए सेम ऐसे ही पेटल्स बना के ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। तीन पेटल्स मैंने बनाई है इसमें। अब मैं इसकी फिनिशिंग बताऊंगी, फिनिशिंग किस तरह से करनी है। ये मैं चेन्स बनाऊंगी, इसमें मैं झालर लगाऊंगी। ये देखिए मैंने 10 चेन ली है और बराबर बराबर गैप छोड़ देना है बीच में। दस चेन लेके, और ये मैंने यहाँ पर ये दो छोड़े हुए हैं, 1 2 और ये 3 वाले पर बांध लूंगी। ये देखिए तो इस तरह से यहाँ तक और इधर भी यहाँ तक बांध लेंगे चेन्स लग के। दो छोड़ के, अगर आपको ज्यादा गैप रखना है तो ज्यादा भी छोड़ सकते हैं। तीन, इसमें भी दो बचे हैं तो इसको हम यहां बांध देंगे।
और यहाँ पर भी हमारा एक लटकन झालर आएगी। ये मैंने 8 चेन ली है बीच में, इस पर बंध देंगे, फिर 10 चेन ले लेंगे। दो छोड़ देंगे इस तरह से, सभी में बांध लेंगे और उसके बाद इस पर झालर लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये वाली फिनिशिंग हमने कर ली है। ये देखिए, अब आप चाहें तो इसी में भी झालर लगा सकते हैं इन सब में। ये मैंने एक लाइन बनाई है पफ वाली, ये देखिए बिल्कुल आसानी से बन जाती है। मैं इसे यहाँ पर लगाऊंगी और यहाँ पर झालर लगाऊंगी इस वाली बीच वाली जगह पर, और दोनों साइड में इसे बांध देना है इस तरह से। पहले झालर बना के दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बीच में बांध लेना है इसे। इस तरह से बांध लेंगे। यहाँ पर इस तरह से इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बांध के तैयार करना है। बीच में यहाँ पर हम पोम पोम बोल लगाएंगे, और यहाँ भी लगा सकते हैं ये लटकन या पोम पोम बोल। तो इस तरह से मैं ये फिनिशिंग कर लूंगी इसकी। आप जैसे भी करना चाहें फिनिशिंग कर सकते हैं।